देखो आप यू कैन नॉट शो यू नो 600 700 जो मार्टियर्स का एक तीन घंटे के पिक्चर में नहीं दिखा सकते राइट तो इन्होंने जितना भी डिपेक्ट किया है मूवी में वो 100 परसेंट करेक्ट है जितना भी दिखाया है क्योंकि तीन घंटे में आप कितना दिखा सकते हो तो इन्होंने सिचुएशंस वो जितने भी करेक्टर्स या जितने भी वो स्टोरीज़ वाले जो ले रखे हैं उसमें जैसे गिरजा टिक्कू का लिया है केस एग्जैक्टली exactly वैसा ही हुआ है मतलब बिल्कुल वै आप देखोगे मूवी में पेड़ों के ऊपर यू नो लोग यू नो लटके हुए बॉडीज़ तो वो भी एक्चुअल सिचुएशन के साथ जैसे मेरे हमारे साथ हुआ है वही है अछि तो काश्मीर जिन्दाबाद कहि पडिवो, इस्लाम कबुल करियो पडिवो एवं पाकिस्तान जिन्दाबाद गर्यो इभली नारा रे जो को कथा को बयान गर्छ रविन्द्र पंडित तांको बापा जी जगन्नाथ थिले तांको घरे जे चाकर एवं परवर्ती परजारे तांको टर्चर करिकि हत्या कर लोमहर्षणकारी घटना को बयान करम सहित तो रवींदर पंडित सीधा सड़क सहित तो कथा कौन से दिन था बर्तमान से कौन कर दिन में कौन तर प्लानिंग रही रवींदर जी जैसे कि आप बता रहे थे आपका पूरा कहानी एक बार जानना चाहेंगे उस दिन कैसे मोमेंट था आपके घर में और आपका उमर टाइम कितना था ये आ, आ, अक्टूबर सात और आठ की इंटरविनिंग नाइट जब यह हादसा हुआ था हमारे साथ मेरे डैड का जो हुआ था तो उस टाइम पे मैं सोलह सत्रह साल का रहूँगा एंड एज़ यूजल यू नो शाम को uh, मेरे डैड यू नो बिकॉज़ so, वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो आ, शाम को खाना खा खाने बैठ गए थे आ, वो और एक मेरे रिलेटिव ये दोनों एक्चुअली ये नहीं यू नो आए थे जो शिफ्ट नहीं हुए थे आ, इनको आना था कुछ दिनों के बाद इनको शिफ्ट भी होना था बट आ, ये नहीं आ, आ पाए थे गवर्नमेंट जॉब की वजह से ये नहीं आ पाए थे हम पहले ही निकल चुके थे हम आ, मार्च नाइन्टी में वहाँ से निकल चुके थे सारे बाकी लोग जॉइंट फैमिली थी हमारी तो शाम को खाना खा रहे थे एज यूजुअल यू नो डे टू डे एक्टिविटीज़ के बाद नौकर जो हमारे वहाँ हमारे साथ ही रहते थे तो उनने बताया डैड को कि कोई आपको बाहर बुला रहा है नहीं। नहीं। तो उन्हें जस्ट यू you नो know, खाना शुरू ही किया था तो उन्हें कहा कि चलो देख के आते हैं तो जैसे वो बाहर निकल गए वो और मेरे यू नो रिलेटिव बाहर नि, निकलते ही उनको किडनैप किया गया मिलिटेंट्स ने किडनैप कर दिया और किडनैप करके हमारा ही अपना ही ऑर्चर्ड जो थोड़ी यू नो दूरी में है वहाँ पर लेके उनको टॉर्चर स्टार्ट कर दिया है तो इतना टॉर्चर किया है क्योंकि हमने जब वो बॉडी में जो दिख, दिख देखा गया है तो उसमें होल्स बॉडी में यू you नो know, मिले इतना टॉर्चर किया गया था उनको जस्ट बिकॉज़ जो वहाँ लोग थे जिन्होंने हमें ये बताया कि क्योंकि वो कबूल नहीं करना चाह रहे थे जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद या कुछ यू नो कन्वर्शन से रिलेटेड तो वो पूरा यू you नो know, बोलते रहे वंदे मातरम भारत माता की जय तो वो टॉर्चर से हमें पता चल गया था कि उनको कितना टॉर्चर किया गया था टॉर्चर के बाद यू नो वहाँ फेंसिंग जो वायर होती है जो हमारे ऑर्चर्ड की तो उसी वायर से उनको यू you नो know, उनके गले में बांध के उनको फांसी दी और पेड़ पे लटका के रखा था विद नोट उस पेड़ पे नोट भी लगा रखा था वहाँ पर बॉडी पे कि अगर किसी ने बॉडी को नीचे उतार दिया तो उनके साथ भी ऐसा ही हम करेंगे तो इसलिए दो तीन दिन तक बॉडी ऐसे ही पेड़ पे लटकती रही आ, कोई उसको आ, उतार नहीं और सबसे वर्स्ट बात यह था कि जब यू you नो know, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे गांव वाले जो पड़ोसी थे मुस्लिम पड़ोसी जिनके साथ हम इतने सालों रहे हैं Uh, किसी ने uh, आवाज़ नहीं उठाई थी अगर वो आवाज़ उठा देते तो शायद ऐसे यू you नो know, हादसे नहीं होते और उससे भी यू you नो know, आप बोल रहे हैं कि आम लोगों का भी सपोर्ट बन गया था बिकॉज लोग। आम लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि चार पांच लोग मानते हम टेरिस्ट बाहर से आ गए हैं उन चार पांच लोगों या दस लोगों को काबू में करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारा जो जहाँ हम रहते थे जो हमारा गाँव है भागवतपोरा तो हम सात फैमिलीज वहाँ यू नो कश्मीरी हिंदू सात फैमिलीज थी उस गांव में और जबकि कम से कम 200 सौ फैमिलीज मुस्लिम थी अब 200 सौ फैमिलीज मुस्लिम हैं अगर वो चाहें आठ दस लोग अगर बाहर से भी आएंगे उनको काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। कौन सा मुश्किल है लेकिन वो उनके साथ मिक्स हो गए हैं अच्छा। उनके साथ उन्होंने उनके साथ ही मिक्स हो के ये सारा जो यू नो खेल खेला है ये जो इतना जो जेनोसाइड करा, करा हिंदुओं के साथ ये उसका उनका पूरा हंड्रेड परसेंट उनका सपोर्ट रहा है जम्मू में आप बता रहे थे जम्मू में आ गए थे कुछ लोग आपका फैमिली भी आ गए थे जम्मू में जो आ गए थे सैफ हो गए कश्मीर में लेकिन ये दिक्कत हो गया तो ये जो बड़ा अंतर देखने के लिए मिला उस टाइम इसका मतलब बैकग्राउंड एक्चुअली क्या था जम्मू करना चाहते थे नहीं सो अब क्या है कि कश्मीर जे एंड के दो पार्ट्स को आप देख सकते हैं विंटर और समर जे एंड के बिकॉज उस टाइम पे जे एंड के वॉज ए स्टेट अब तो यू हो गई तो जम्मू जो विंटर कैपिटल बोलते थे जे एंड के का और कश्मीर जो है समर कैपिटल होता था अच्छा। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे इन दोनों को यू नो जवाहर टनल जो है जवाहर टनल के इस साइड अगर आग जाते हैं तो समझ लो आप जम्मू साइड में है इवन दो वहाँ खूद वो, वो और भी जगहें हैं बट जवाहर टनल के क्रॉस कर दिया यू विल फील बिट सेफ जवाहर टनल से और उसके बाद फिर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आता है तो आर उस ट वहाँ पर ये माइनॉरिटी वाला जो है वो नहीं है इशू कश्मीर में यू विल हैव 95% परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो हिंदू uh, पॉपुलेशन थी जस्ट दो या ढाई परसेंट है तो थोड़े से अब सात लाख हम हिंदूज़ थे वहाँ पर छः सात लाख हिंदूज़ तो मोस्टली उस टाइम पे नाइन्टीज़ के बाद जो है नाइन्टी से लेके नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री तक सारे जो भी है निकल वहाँ से निकले बिकॉज इम्पोर्टेंट uh, था हमारे लिए कि हम जान बचाएँ हम अपना यू you नो know, जो, जो माँ बहने हैं उनकी इज्ज़त हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर था हमने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ होगा क्या क्योंकि हमें पता नहीं था वहाँ से निकल गए जो हमने पहना था जो हमारे कपड़े पहने हुए थे यही पहने पहने हुए कपड़े कपड़ों को ले ही सिर्फ इतना ही हम ले आए थे जब वहाँ से हम आ, निकल गए थे यू uh, नो you know, जो निकाला गया था कह सकते हो आप उसको वहाँ से तो स्ट्रगल uh, जो है वहाँ ही ख़त्म नहीं हुई थी यू नो नाइन्टीज़ में उसके बाद एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हो गई थी उसका रीज़न ये था जब हम जम्मू आ गए थे तो जम्मू में कम से कम हज़ारों लोग सन स्ट्रोक से मर गए थे क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि हम तो उस एनवामेंट में अडप्ट ही नहीं थे कितने सारे लोग यू नो बिच्छू के डंकों से मर गए हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब स्कॉलर्स थे या जो यू नो एल्डर्स थे वो uh, डिप्रेशन में चले चले गए क्योंकि उनको पिक्चर, आ, पिक्चर में रविंद्र जी पिक्चर में जो चीज़ दिखा गया है पिक्चर को आप कितना परसेंटेज बोलेंगे क्योंकि पिक्चर जो है एक्चुअली वो सोसाइटी का आईना माना जाता है लेकिन कश्मीर फाइल एक ऐसे पिक्चर है या क्या सचमुच आईना है और उसमें भी कुछ इधर उधर है या पूरा हंड्रेड परसेंट आप बोलोगे कि प्योर ही प्योर चीज है उसमें देखो आप यू कैन नॉट शो यू नो 600 सात सौ जो मार्टियर्स का एक तीन घंटे के पिक्चर में नहीं दिखा सकते हैं राइट तो इन्होंने जितना भी डिपेक्ट किया है मूवी में वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट है जितना भी दिखाया है क्योंकि तीन घंटे में आप कितना दिखा सकते हो तो इन्होंने सिचुएशंस वो जितने भी करेक्टर्स या जितने भी वो स्टोरीज़ वाले जो ले रखे हैं उसमें जैसे गिरजा टिक्कू का लिया है केस एग्जैक्टली exactly वैसा ही हुआ है मतलब बिल्कुल वै आप देखोगे मूवी में पेड़ों के ऊपर यू नो लोग यू नो लटके हुए हैं बॉडीज तो वो भी एक्चुअल सिचुएशन के साथ जैसे मेरे हमारे साथ हुआ है वही है एग्जैक्ट exactly. अच्छा उसमें ये दिखाया है कि ट्रक में निकल रहे हैं यू नो रातों रात अंधेरे में निकल रहे हैं एंड दैट इज़ वॉट हैपन्ड उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था हम ये कह रहे थे कि एक ट्रक में जैसे आपने देखा होगा ट्रक के अंदर जानवर होते हैं या यू you नो know, उनको बिठा के वो कहीं ले जाते हैं सेमलर सिचुएशन थी हमारे साथ भी एक एक ट्रक में तीस तीस चालीस चालीस लोग कुछ लोग ऐसे ही खड़े होके कुछ ऐसे ही कुछ नहीं था ऐसे ही सनेरियोज यू नो हमारे और ये ये रियलिटी है इट इज़ नॉट समथिंग कि ये जस्ट एक फिकटिशस वाला कैरेक्टर या कुछ बना है कि ये रियलिटी है हमारे साथ ऐसा ही हुआ है बिल्कुल हंड्रेड एंड वन परसेंट आई विल से कि हर किसी इंडियन को एकरॉस यू नो यू नो एकरॉस रिलीजन्स में ये कह रहा हूँ कि देखना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था हमारे साथ क्योंकि ये एक ऐसी अनटोल्ड ट्रूथ वाली यू नो मूवी है uh, इस इसको देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें अपने ही देश में क्या भुगतना पड़ा था और पिक्चर आना चाहिए आप बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि जो एक्चुअली पीड़ित होते हैं तो उनके साथ क्या हुआ क्योंकि आप जो 91 के बाद जो लोग यू uh, नो you know, जन्मे होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ है कैसे और उनको जो आप बताओगे जो आप उनको पोर्ट्रे करोगे वही दिखेगा राइट right? लेकिन हिस्ट्री में इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है अभी थर्टी टू ईयर हो गया है आप ऐसे बता सकते हैं मैं हिस्ट्री में भी, भी चीज आना चाहिए जो हमारा सिलेबस है बिल्कुल ये कश्मीरी जनोसाइड आई थिंक ये कहीं यू नो हिस्ट्री बुक्स में अब होना चाहिए कि अब तो क्योंकि ये अब छुपा नहीं है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एवरी वन इन द इंडिया को पता चल गया होगा इस मूवी के uh, माध्यम से कि uh, क्या हुआ था uh, कश्मीरी uh, हिंदूज़ के साथ तो uh, तो हमने uh, इस इस यू नो जेनोसाइड को हिस्ट्री में अगर आ जाएगा तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है तो दे विल ऑल्सो बी इन ए पोजिशन टू सी वॉट हैजंड एफ आई एफआईआर कॉपी आपके हाथ में है ये एफ आई आर कॉपी आप कहाँ दिए थे मतलब जो पुलिस स्टेशन में दिए थे उसके ऊपर हाँ, कोई कार्रवाई हुआ था उस टाइम अगर इफ़ यू सी दिस आ, ये विजिबल भी दिखेगी आपको ये एफ आई आर कॉपी है जो हमने वहाँ हमें जो मिला था आ, ये पुलिस स्टेशन हंदवारा का है जो जहाँ हमारा जो घर वो वो तहसील हंदवारा में तो ये वहाँ का एफआईआर है ये तब का इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ये हमारे पास तब से पड़ा हुआ है इसके बाद हमने आरटीआई भी आरटीआई भी फाइल किया था और आरटीआई का रिस्पॉन्स जो आया है हमें कि एविडेंस ना होने की वजह से केस को क्लोज़ कर दिया है 370 थ्री सेवेंटी उठने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है डेवलपमेंट काम हो रहा है इसको आप कैसे देखेंगे क्योंकि ऐसे कई जगह थे जहाँ पे आम पुलिस नहीं जा पा रहा था अभी सी आर पी एफ है बी एस एफ है उनके मदद से पुलिस भी जा रहे हैं लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है अभी पुलिस थ्री सेवेंटी uh, एक बहुत बड़ा आई कैन से चीज़ थी जो जे के में हुई है इस 370 की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेवर में नहीं थी हमारे तो इसको हटने के बाद अब ऐसी इट इज नाउ जितना भी जितना दूसरी स्टेट है उतना ही अब जे के अदरवाइज थ्री की वजह से बहुत सारे ऐसे कानून थे जो सिर्फ जे के में ही एप्लीकेबल थे यू नो इंडिया के कानून वहाँ नहीं चलते थे ऐसे ऐसी चीजें हैं इवन फ्लैग का भी आपको तो पता ही होगा फ्लैग भी यू नो जे के का अलग था तो इस थ्री सेवनटी के हटने के बाद ये इट इज़ नाउ इंटरग्रल पार्ट ऑफ यू नो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है वो भी एप्लीकेबल है अब जे के में सो नॉट ओनली दैट थ्री सेवेंटी हटने से एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हुआ है वो ये है कि आ, पहले जो होता था जो आ, अगर वहाँ पर कोई इंटरकॉस मैरिज होती थी यू नो you know, गर्ल्स की तो उनको दे वर नॉट एलिजिबल फॉर यू नो वहाँ पर आ, मतलब जो भी जायदाद है उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है लेकिन अब इसके हटने के बाद दे आर ऑल्सो नाउ एलिजिबल फॉर নিশ্চিতভাৱে আপুনি শুনু ৰবীন্দৰ যি কওঁ কিভাৱে তেতিয়া চিচুচন থাকা যি জগন্নাথ পণ্ডিত কিভাৱে নিৰ্মে হত্যা কৰাহিছিল সমস্তে ইয়ে ৰি ট্ৰুথৰ বনি থোৱা ফিল্মকু দেখন্তু আমি আশা কৰোঁ সমসে দেখন্তু ৰি ফেক্ট বিষয়ে জানতো ন আদিত্য